मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उसी काम में लगा हुआ हूँ। इन महान शब्दों को कहने वाले भाई स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को यह चैनल सनातन भारत समर्पित है तथा उन्हीं से प्रेरित होकर इस चैनल की स्थापना की गई है। ऐसे भ्रमित करने वाले यूट्यूबर्स को जवाब देना आवश्यक था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा। नमस्कारम, मैं हूँ प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ। मैं आपका अपने चैनल सनातन भारत पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने वाली हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कम से कम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे लिए सीधा मेरी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आपने देखा ही होगा कि जब मेरे चैनल की शुरुआत होती है, आप देखते हैं वीडियोस, तो सबसे पहले जो मैंने अपना चैनल किसे समर्पित किया है, किससे प्रेरित होकर बनाया है, कौन मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं, आप समझ ही गए होंगे कि मैं स्वर्गीय भाई श्री राजीव दीक्षित जी की बात कर रही हूँ। मैंने आज तक लगभग राजीव भाई दीक्षित जी के सभी वीडियोस देखे हैं और उनकी पुस्तकों का मैं अध्ययन करती हूँ। भाई राजीव जी की पुस्तकें भी मैं पढ़ती हूँ, जो उनकी इंटरनेट पर पुस्तकें हैं मैं उनको भी पढ़ती हूँ। मैं उनसे बहुत बहुत प्रेरित हूँ, उनके सभी विचारों को मैं सुनती हूँ। और सिर्फ भाई राजीव दीक्षित जी नहीं, ऐसे कुछ जो मुझे लगता है जो भी कुछ भाई लोग हैं, भाई बहनें हैं, जो भी हैं, जो हमारे सनातन धर्म को लेकर कार्य कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रहित के बारे में बात करते हैं, मैं उनको सुनना पसंद करती हूँ। ऐसे ही मैंने गत कुछ दिनों में एक सत्य सनातन नाम से एक चैनल है जिसपे भाई अंकुर आर्य जी हैं, और ऐसे ही एक दूसरा है कि थैंक्स भारत करके जिसपे भाई राहुल आर्य हैं, उन दोनों को भी मैं सुनती थी। उनके मैंने उनको सब्सक्राइब किया हुआ, उनके बहुत सारे वीडियोज़ को मैंने सुना है, मैंने लाइक किया है। पहली बार मैंने भाई राहुल आर्य का वीडियो देखा था कि जिसमें लिखा था कि उन्होंने जो ये ओम शांति है इसको एक्सपोज किया था, जो बहुत ही अच्छा किया था, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी। मुझे अच्छा लगा था बहुत देखकर, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म की को बदनाम कर रही हैं, जड़ें खोद रही हैं, तो मुझे अच्छा लगा था वो वीडियो देखकर। तो मैंने उनको सब्सक्राइब किया, उनके कुछ और वीडियोज़ भी देखे। मगर अचानक से एक दिन मैंने उनके वीडियो देखे जिससे मैं बहुत ही निराश हुई। भाई ने राहुल भाई ने डाला कि हर कोई महान नहीं होता, ऐसा एक वीडियो बनाया, और उसमें उन्होंने जो फोटो डाली वो थे भाई राजीव दीक्षित जी, उनके बारे में उन्होंने बात की। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने बहुत अपमानजनक शब्द उन्होंने इस तरह इस्तेमाल की, पर जो उनके जो शीर्षक ही था, जो बात उन्होंने की, उसके बाद में उन्होंने दूसरा वीडियो डाला राजीव दीक्षित एक्सपोज्ड। आजकल आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड है यूट्यूब के ऊपर, हम डालते हैं किसी के बारे में दिस पर्सन एक्सपोज्ड। तो उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया अपने और जबकि हम कहीं भी देखेंगे, कहीं भी भाई राजीव दीक्षित जी की छवि पर कहीं भी कोई दाग नहीं है, आप डालेंगे राजीव दीक्षित एक्सपोज यूट्यूब पर, आपको सिर्फ एक ही वीडियो नज़र आएगा, वो क्या है, भाई राहुल आर्य ने बना डाला है भाई राजीव दीक्षित एक्सपोज्ड। मुझे बहुत बहुत यहाँ दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ है देखकर कि उन्होंने ऐसा उनके लिए लिखा। ये जो टाइटल ही है, यह ही बहुत अपमानजनक है, बहुत अपमानजनक लगा मुझे, मुझे बहुत दुख हुआ है देखकर। जबकि आप देखेंगे एक्सपोज, उसमें तो हमारे राजीव दीक्षित जी थे, उन्होंने कितने नेताओं को सबको एक्सपोज किया हुआ है और उनके ऊपर ही लिख दिया, जबकि जो है कितने महान राष्ट्रभक्त थे, देशप्रेमी थे, ये उनका अपमान है, सरासर अपमान है ऐसा टाइटल डालना। मैं उसे राहुल आर्य भाई से मैं प्रार्थना करती हूँ, ये मेरा वीडियो का मकसद भी है कि कृपया करके, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लाखों सब्सक्राइबर हैं, लोग उनको देखते हैं, तो कृपया करके ऐसे मिथ्या और इस तरह के ऐसे वीडियोज़ ना बनाएं, लोगों को ऐसे भरमाएं नहीं, ऐसे टाइटल डालकर सिर्फ अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ऐसा ना करें, मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ। फिर इसके बाद में उन्हीं की तरह से एक हैं सत्य सनातन पे अंकुर आर्य भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो बना डाला कि जानिए भाई राजीव दीक्षित जी की मृत्यु का पूरा सच।
फिर उसमें उन्होंने क्या बताया कि नहीं, वो तो बीमार थे, वो बीमार रहते थे इसलिए उनकी मृत्यु हो गई है, उनको हार्ट अटैक आ गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप अगर यूट्यूब आप अगर गूगल पे भी सर्च करते हैं कि भाई की राजीव दीक्षित जी की मृत्यु कैसे हुई है, तो वो कहेगा कि हाँ जी हार्ट अटैक से हुई है। ठीक है, फिर उसके ऊपर उन्होंने तर्क दिए पूरे सच के अंदर कि जब उनका शव लाया गया था, लोग कहते हैं कि उनका शव नीला पड़ गया था, उनके मुख से झाग निकल रहे थे, तो उन्होंने तर्क दिया कि जी उनका शव लाया गया एरोप्लेन से लाया गया, तो क्योंकि हवा हवा का दबाव कम था इसलिए उनका शव नीला पड़ गया। तो ऐसे बहुत सारे शव आज तक लाए गए हैं, श्रीदेवी का भी लाया गया था दुबई से और भी बहुत दूर से। दूसरी बात उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने बाबा रामदेव जी के लिए कहा, मैं बाबा रामदेव का आदर भी करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं उनकी भक्त हूँ, उनकी फॉलोअर हूँ, मैं इसलिए आदर करती हूँ क्योंकि उन्होंने योग को, हमारा जो भारतीय दर्शन है स्वदेशी को, उन्होंने एक अलग दिशा दी है और योग को पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने फेमस किया है, इसके लिए मैं उनका आदर करती हूँ, इस बात को लेकर मैं आदर करती हूँ। बाकी तो भी मैं अगर मैं कहूँ कि हाँ वो सच में मतलब राष्ट्रभक्त है या ऐसा है, मैं नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने भी एक तरह से एक लालच की दुकान जैसा कार्य कर दिया है। और उन्होंने बाबा रामदेव का जो अंकुर अरे भाई, उन्होंने बहुत पक्ष लिया है कि तो मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि जो ये स्वदेशी जो आंदोलन था, इसकी जो आरंभकर्ता थे, जो चालू करने वाले थे बाबा रामदेव के साथ में, वो कौन थे? भाई राजीव दीक्षित जी थे। तो क्या उनको इतना भी, इतने भी सम्मान का अधिकार नहीं है कि जहां भी आज की डेट में, जहां भी जो भी इनका, जो बाबा रामदेव जी इतने आजकल फेमस हो गए हैं, इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, तो उनके इतने सारे वीडियोज हैं, उनकी जो वहां पे जो उनका सेंटर है हरिद्वार में, जो कुछ है जहां भी है, इतने बड़े बड़े मंच पर वो जाते हैं, क्या उनकी मतलब राजीव दीक्षित जी भाई का क्या इतना भी अधिकार नहीं था, इतना भी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती? बिल्कुल, जो बाबा रामदेव का जो स्वदेशी आंदोलन था, आंदोलन जो उन्होंने आंदोलन का दिखा रखा है, रूप दे रखा है कि ये है स्वदेशी, तो उसमें तो हमारे जो भाई राजीव दीक्षित जी हैं पूर्णतया गायब हो गए हैं, पूर्णतया कहीं उनका कोई जिक्र ही नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि आज को उनका नाम ही नहीं ले रहा वहां पर? पतंजलि ने तो बिल्कुल ही उसका, उनका नाम मिटा दिया है। क्यों? ये तो हमारे, ये तो बहुत सारे भाई बहन हैं जो अभी तक उनको अपने दिलों में जिंदा किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सारा राष्ट्रहित के लिए कार्य किया है। और ये कहना कि भाई भाई अच्छा, उन्होंने कहा अंकुर अरे ने कि भाई राजीव दीक्षित को तो बहुत सारी बीमारियां थी, जेनेटिक बीमारियां थी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एक वीडियो का लिंक भी दे रही हूँ और मैं उसकी पिक्चर भी दे रही हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें भाई राजीव दीक्षित जी ने स्वयं कहा है कि मुझे 20 साल से कोई बीमारी नहीं हुई है, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। ये उनके खुद के स्वयं के शब्द हैं। और रही बीमारी की बात, अगर उनको हार्ट की बीमारी होती, हाई बीपी की बीमारी होती, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्वयं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। अभी आजकल मैं मॉरिशस में रहती हूँ, जिसे कहते हैं मिनी इंडिया, छोटा भारत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 53% लोग लगभग हिंदू हैं। चूंकि यहाँ पे इतने आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के जानकार नहीं है अच्छे, तो मैंने आकर यहाँ पर अपना कार्य चालू किया। मैं यहाँ पर शादी करके मैं रहती हूँ यहाँ पर, तो मैंने अपना कार्य चालू किया। तो उसके बाद मैंने देखा कि लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूकता है इसमें, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। और मैंने यहाँ पर जो भाई राजीव दीक्षित की जो मैं पुस्तकों का अध्ययन करती हूँ साथ साथ, और मैंने जो इनके लिखे हुए, जो इनके बताए हुए जितने भी फॉर्मूलेज हैं, उनके सारे वीडियोस भी देखती हूँ, मैंने यहाँ लोगों को बताए, और पता नहीं कितने लोगों को कितना फायदा आया है। मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, लोगों के रिव्यूज मैं आपको दिखा सकती हूँ कि लोगों को हार्ट की बीमारी में कितनी चीज़ों की, ब्लड प्रेशर, कैसी कैसी बीमारियां हैं, साध्य रोग हैं, जो मैंने भाई राजीव दीक्षित जी के दिए गए, जो उन्होंने जो बताए हैं कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, इसके लिए जो घरेलू उपाय हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आयुर्वेद की सभी दवाइयाँ मिलना भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो जो उन्होंने, राजीव दीक्षित जी ने बताया कि आपकी जो रसोई है, रसोई में ये सारी चीजें हैं, इन्हीं से आप इलाज कर सकते हैं, मैं इन्हीं से बहुत सारे लोगों का इलाज कर रही हूँ यहाँ पर, और लोगों को इतना ज्यादा फायदा आया है। तो क्या राजीव भाई दीक्षित अगर बीमार भी होते तो स्वयं का इलाज नहीं कर लेते? उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा, मैं आयुर्वेद के सभी नियमों का, उस जीवन शैली का पालन करता हूँ। कम से कम ये कहना कि एक फाइनल रूप देना कि जी बस मैंने पूरा सत्य बता दिया है, अंकुर भाई ने कह दिया जी मैंने पूरा सत्य बता दिया है कि ये सत्य है, अब कोई आवाज ना उठाए। उन्होंने कह दिया कि अगर आप लोग बुद्धिमान हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि अब कोई आवाज ही ना उठाए इस चीज को लेकर, क्यों ना उठाए। मैं तो कहती हूँ कि हम सभी जो भी हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भी लोग भाई राजेंद्र सिंह जी को का आदर करते हैं और उनके लिए भावुक हैं, समझते हैं उन्हें, तो उन सबको, हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। हम सबको उनके केस को रीओपन करवाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ करवाना चाहिए। मुझे दुख हुआ, मैं सोचती थी कि मुझे पहले इन दोनों के वीडियो देख के अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि दोनों सत्य को उजागर कर रहे हैं और इनमें ये है, पर मुझे अंकुर भाई का वीडियो देखकर लगा कि नहीं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाबा रामदेव के खिलाफ बोल सके। फिर उन्होंने कहा कि उनके जो घर वाले हैं, भाई राजेंद्र सिंह के घर वाले हैं, वो क्यों नहीं सामने आते, क्या उनके लिए इतना आसान है? आपको लगता है कि जब भाई राजीव जी से शेर को मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है, तो क्या फिर जो उनके घर वाले हैं उन पर दबाव नहीं बनाया गया होगा? क्यों उनकी इतनी चुप्पी है? और कौन सा वो आज की डेट में बाबा रामदेव के सामने उनके लिए मतलब बहुत उनके पक्ष में भी बोल रहे हैं आकर? ठीक है, उनके खिलाफ उन्होंने आकर नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, हो सकता उन पर दबाव हो। आज की तारीख में बाबा रामदेव एक इतनी बड़ी हस्ती हैं, उन पर इतना सारा पॉलिटिकल सपोर्ट भी है कि उनके लिए, उनके खिलाफ किसी आम आदमी के लिए बोलना बहुत आसान नहीं है। नहीं आसान, मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं जानती हूँ कि क्या पता इसके जो मैंने बोला है कि इसके लिए मेरे खिलाफ भी लोग मुझे कमेंट में लिखेंगे, मेरे खिलाफ लोग कार्रवाई कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सत्य बोलना चाहती थी। मेरी इच्छा थी कि हाँ मैं सत्य बोलूँ, चाहे रिस्क हो, पर मैं बोल रही हूँ सत्य। और मैं मेरे पास सच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मैं कह सकूँ कि किसने उनकी हत्या करवाई है। मैं नहीं जानती, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं बाबा रामदेव पर भी कोई किसी तरह का कोई भी आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं कम से कम ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग उनको इस तरह से बरी कर रहे हैं कि बिल्कुल जो कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि भाई क्यों उन्होंने राजा दीक्षित जी को बिल्कुल हटा डाला स्वदेशी मूवमेंट से? क्यों उनकी कोई एक उनको एक जरा से श्रद्धांजलि भी नहीं दी जाती? ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं? कहीं उनका नाम ही नहीं है, बिल्कुल उनको ऐसे गायब कर दिया गया है उस मोमेंट से, उनकी सारी यादों को, हर चीज़ को, क्यों है ऐसा? मैं आशा करती हूँ कि आप जो मैं कहना चाह रही हूँ उन सबको समझे होंगे, और मैं जो लिंक्स हैं वीडियोस के वो भी आपको उसमें जो पिक्चर्स हैं वो दे रही हूँ वीडियो में साथ साथ, आप देख सकते हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, प्रमाण के साथ कह रही हूँ मैं आपको।